हेलो एवरीवन, इनकम टैक्स में मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए चार सेक्शंस हैं, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DDB और सेक्शन 80U। चारों ही सेक्शंस की कंडीशंस भी अलग अलग हैं और चारों ही सेक्शंस में डिडक्शन लिमिट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, चारों सेक्शंस को लिया है। इस चार्ट के थ्रू हम आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर हमें कितनी लिमिट मिलती है, साथ ही यहाँ पर कौन सी डिजीज स्पेसिफाई की गई है। चारों सेक्शंस के अंदर डिजीजेस भी यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफाई की गई हैं। किसी भी सेक्शन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर किसी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास खर्चे की रसीदें या बिल वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी प्री रिक्विजिट है वो ये कि खर्चा कैश में नहीं होना चाहिए। किसी भी बैंकिंग मोड से, यानी कि UPI, नेट बैंकिंग, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, किसी भी बैंकिंग मोड से होना चाहिए। तो डिडक्शंस क्लेम करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर का, साथ ही खर्चा कैश में नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 80D की बात करते हैं। सेक्शन 80D की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक यहाँ पे डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन कैसे, इसके लिए टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। सेक्शन 80D में क्या आता है, यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, साथ ही यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर आता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ यहाँ पर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम करते हैं, साथ ही मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए खर्चा कर रहे हैं तो 25,000 की लिमिट है। अगर आप पेरेंट्स के लिए खर्चा कर रहे हैं और पेरेंट्स बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं तो भी डिडक्शन 25,000 रुपये है। अगर आप अपने लिए खर्चा क्लेम कर रहे हैं और आप 60 इयर्स एंड अबव हैं तो डिडक्शन 50,000 रुपये का मिलता है। और अगर आप पेरेंट्स के लिए खर्चा क्लेम कर रहे हैं और वो भी 60 इयर्स एंड अबव हैं तो डिडक्शन 50,000 रुपये तक मिलता है। लेकिन अगर आपने अपने या फिर अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्समेंट करती है तो उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ वही डिडक्शन क्लेम करेंगे जिसका रिम्बर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता है या फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB ये तीन सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर हम वही खर्चा क्लेम करते हैं जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं, या फिर स्पाउस के लिए, या फिर पेरेंट्स के लिए, या फिर अपने डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, या फिर चिल्ड्रन के लिए। डिपेंडेंट वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रदर, सिस्टर या चिल्ड्रन अर्निंग हैं तो आप उनके लिए ये खर्चा क्लेम नहीं करेंगे। 80D में मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए कोई डिजीज स्पेसिफाई नहीं की गई है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर, जैसे कि मेडिकल बिल्स हो गए, या कोई सर्जरी हो गई, या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो गया, किसी भी तरह की बीमारी का खर्चा हुआ, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। यहाँ पर प्रूफ आपको क्या लगाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बिल्स या फिर रसीदें होनी चाहिए, साथ ही खर्चा ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, कैश में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 80DD पर, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ये डिडक्शन हम सिर्फ डिपेंडेंट के लिए क्लेम करते हैं, सेल्फ के लिए नहीं है ये। इस सेक्शन के अंदर डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं कि कौन कौन से डिजीजेस के लिए हमें ये डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है, अगर डिसेबिलिटी 40-80% के बीच में है तो अप टू 75,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा की है तो अप टू 1,25,000 यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपका अमाउंट हो, विच एवर इज लेस। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या लगाना होता है, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10IA में यहाँ पे प्रूफ, एज अ प्रूफ लगाना पड़ता है, कौन सी डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं। सेक्शन 80DD में डिडक्शन क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं, और सिर्फ इन्हीं डिजीजेस के लिए आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कौन सी हैं, मेंटल इलनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पैल्सी, लिप्रोसी, ऑटिज्म, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे एज लिमिट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिसेबिलिटी के बेसिस पर यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 80DDB।
इस सेक्शन के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस, यहाँ पे ये डिडक्शन सेल्फ के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, साथ ही डिपेंडेंट व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर है, स्पाउस है या फिर आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए सेक्शन 80 DDD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डिडक्शन की लिमिट क्या बताई गई है, 40,000 अगर आपकी एज 60 ईयर्स एंड बिलो है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसकी एज 60 ईयर्स से कम की है तो अप टू 40,000 डिडक्शन मिलता है, और अगर एज 60 ईयर्स एंड अबव है तो अप टू 1,00,000 रुपीज डिडक्शन मिलता है, या फिर जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया है, विच एवर इज लेस। यहाँ पर भी एज अ प्रूफ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है किसी भी होल टाइम स्पेशलिस्ट का या फिर होल टाइम प्रैक्टिशनर का, साथ ही खर्चा बैंकिंग मोड से होना चाहिए। देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस यहाँ पर स्पेसिफाई की गई हैं। तो सेक्शन 80DDB के लिए इनकम टैक्स एक्ट के रूल 11DD में डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं। तो हम यहाँ सीधे इनकम टैक्स के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर डिजीजेस कौन सी बताई गई हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, काफ़ी सारी यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस बताई गई हैं जिसके नाम भी शायद हमने नहीं सुने होंगे, डिमनेशिया, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एटेशिया, कॉरिया, पार्किंसन डिजीजेस, ये सारी डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, मैलिग्नेंट कैंसर, एड्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। तो रूल 11DD में स्पेसिफाई जो भी डिजीजेस हैं उनके लिए सेक्शन 80DDB के अंदर डिडक्शन क्लेम किया जाता है। यहाँ पर डिसेबिलिटी का रेशियो कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग डिडक्शन दिया जाता है, जबकि हमने देखा था कि सेक्शन 80DD में डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 80U पर। सेक्शन 80U सिर्फ सेल्फ के लिए है, यहाँ पर ना ही पेरेंट्स के लिए डिडक्शन मिलता है और ना ही डिपेंडेंट चिल्ड्रन या ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, सिर्फ सेल्फ के लिए मिलता है। और कितना मिलता है, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40-80% के बीच में है तो 75,000 अप टू 75,000, और अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% एंड अबव है तो अप टू 1,25,000। सेम वही लिमिट यहाँ पे बताई गई है जो सेक्शन 80DD में है। तो वो डिफरेंस क्या है दोनों सेक्शंस में, कि सेक्शन 80DD सिर्फ डिपेंडेंट के लिए था, ये सेल्फ के लिए नहीं था, और जो 80U है ये सिर्फ सेल्फ के लिए है, ये डिपेंडेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर भी हमें एज अ प्रूफ फॉर्म 10IA में मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या होल टाइम प्रैक्टिशनर का या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, या फिर अगर आप प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्राइवेट डॉक्टर का। तो यहाँ पर हमने चारों सेक्शंस कवर कर लिए, लेकिन चारों सेक्शंस में आपको कहीं पर भी हार्ट डिजीज़ के लिए कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिला होगा, जो कि बहुत ही आम बात है आजकल। हार्ट डिजीज़ के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो क्या इसका खर्चा हम क्लेम नहीं कर सकते हैं? अगर आपने कोई भी हार्ट सर्जरी करवाई है तो आप सेक्शन 80D के अंदर ये खर्चा क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पर कि पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये की लिमिट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D में, जो आप हार्ट डिजीज के लिए ले सकते हैं। बाकी सारे सेक्शंस 80DD, 80DDB, 80U, काफ़ी सारी डिजीजेज स्पेसिफाई की गई हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन के अंदर हमें हार्ट डिजीज का डिडक्शन स्पेसिफिकली नहीं मिलता है। सेक्शन 80U के लिए कौन कौन सी डिजीजेज स्पेसिफाई हैं? तो जो डिजीजेज 80DD के लिए स्पेसिफाई थी, सेम वही डिजीजेज सेक्शन 80U के लिए भी स्पेसिफाई की गई हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।